डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने लिपिड वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे अबाउट वैक्स। वैक्सेस के साथ हमने डिस्कस करना है फॉस्फोलिपिड्स और टर्पिनाइड। ये अक्सर क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है, वैक्सेस क्या है या फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, इनके फार्मूले। और ये शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है एनुअल पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के पेपर में। आज हम डिस्कस करेंगे जिसे हम नाम देते हैं वैक्स का, नाम देते हैं कि वैक्सीज होती क्या है। वैक्सीज आर अ मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन। ये लॉन्ग चेन अल्केन है जिसमें कार्बन कम से कम क्या होंगी 25 होंगी और मैक्सिमम कितनी होंगी 35। इसलिए इसे लॉन्ग चेन अल्केन का नाम देते हैं। हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा इसमें शामिल होते हैं क्या, अल्कोहल, कीटोन और फैटी एसिड के एस्टर मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं वैक्सीज आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन, अल्कोहल, फिनोल, ठीक है, इसके अलावा कीटोन और फैटी एसिड के क्या होते हैं, ये जो है मिक्सचर मौजूद होते हैं। इन मिक्सचर को हम लोग वैक्सीज का नाम देते हैं। ये मैंने बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, तो उसी लिहाज से डिस्कस करेंगे। फिर इसकी अकरेंस की बात करते हैं तो ये पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो एपिडर्मस होती है, उस एपिडर्मस के ऊपर जो क्यूटिकल होती है, क्यूटन की बनी हुई है, उसके ऊपर क्या होते हैं मौजूद होते हैं, ये क्यूटन मौजूद होते हैं जो वैक्सी लेयर होती है, जो क्या करती है, जो प्लांट के बाहर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब प्लांट के एपिडर्मस के गिर्द जो है वो क्या होते हैं, ये वैक्सीन मौजूद होते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स के अंदर क्या होते हैं, इंसेक्ट्स के जो एक्सोस्केलेटन होता है, उस एक्सोस्केलेटन के ऊपर भी जो है वो वैक्सीन मौजूद होती हैं। इस तरह जो बर्ड होते हैं उनके फैदर होते हैं उनके ऊपर भी मौजूद होती हैं। और बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि शीप होते हैं, शीप की जो स्किन भूल होती है उस भूल के ऊपर भी, शीप के ऊपर भी क्या होते हैं, ये वैक्सीज जो है ना मौजूद होते हैं। तो ये प्लांट के अंदर मौजूद है, ये इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद है और साथ इंसेक्ट के ये एनिमल के अंदर और बर्ड्स के अंदर भी पाए जाते हैं। जब फंक्शन की बात करते हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये पहली बात है ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ये पैथोजेनिक अटैक से बचाते हैं, ये पैथोजन अटैक से बताने के बाद इन्वायरमेंटल जो कंडीशन होती है उससे बचाते हैं। फिर ये साथ जो है उसे महफूज करते हैं अग्रेसिव डैमेज से, रगड़ वगैरह से भी क्या करते हैं बचाते हैं। और ट्रांसपायरेशन जो लॉस ऑफ वाटर होता है, उस लॉस ऑफ वाटर से भी क्या करते हैं, ये उसे जो है प्रोटेक्ट करते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर से बचाते हैं ये, उसके बाद अग्रेसिव डैमेज से बचाते हैं। तो ये इनका क्या होता है, ये इनका फंक्शन जो है वो मौजूद होता है। अगर ये इंसेक्ट में मौजूद हो तो ये एज ए वेक्टर क्या करते हैं, वाटर बैरियर के तौर पे काम करते हैं, इंसेक्ट के अंदर पानी को जाने से रोकते हैं और वाटर प्रूफ उनकी बॉडी को बनाते हैं ताकि वो क्या कर सकें, ताकि जब वो पानी वगैरह गिरे, बारिश का पानी या वैसे पानी में जाए तो वो पानी उनके जिस्म के अंदर एंटर ना हो जाए। तो ये बेसिकली इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। दो नंबर का क्वेश्चन आता है वाटर वैक्सीन। फिर आता है हमारे फॉस्फोलिपिड, जैसे कि नाम पता चल गया कि फॉस्फो भी है, लिपिड भी है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें क्या मौजूद होंगे, इसमें ग्लाइसिनोल और फैटी एसिड तो मौजूद होते हैं। अब ग्लाइसिनोल और फैटी एसिड मौजूद हैं, उनके साथ फास्फोरस भी मौजूद हो, जब क्या हो, ग्लाइसिनोल और फैटी एसिड के साथ फास्फोरस मौजूद हो तो हम उसे कहते हैं ये क्या होंगे, फास्फोलिपिड, यानी कि वो लिपिड जिनमें फास्फोरिक एसिड मौजूद हो। इसीलिए जब हम इसे कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये डेरिवेटिव है फास्फोटेडिक एसिड के। ये फास्फोटेडिक एसिड क्या होता है, ये इसका फार्मूला है। अगर गौर करें तो ये हमारे पास मौजूद है क्या चीज, ग्लाइसिनोल, और ये हमारे पास मौजूद है क्या चीज, फैटी एसिड, और ये हमारे पास मौजूद है क्या चीज, फास्फेट ग्रुप। तो इसका मतलब ग्लाइसिनोल, फैटी एसिड और जो फास्फोरिक ग्रुप होता है फास्फोरिक एसिड, जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तो फास्फोटिडिक एसिड बनता है और उसी फास्फोटिडिक एसिड से फिर क्या बनते हैं, फास्फोलिपिड बनते हैं। ये समझाने के लिए आपको बताया कि ये क्या है, ये ग्लाइसिनोल का फार्मूला डेरिवेटिव, ये फैटी एसिड का, और ये हमारे पास जो मौजूद है किसका है, ये मौजूद है फास्फोरिक एसिड का पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फास्फोटिडिक एसिड। अब फास्फोटिडिक एसिड कितने मुश्तमिल है, वो मुश्तमिल है ग्लाइसिनोल पर, फैटी एसिड पर और फास्फोरिक एसिड पर मौजूद होते हैं। साथ इसमें कुछ क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं, जैसे कि कॉलीन होगी या इथानोल अमाइन होगी या सेलीन होगी, ये वो कहते हैं नाइट्रोजन बेसिस हैं जो क्या होते हैं, फास्फोलिपिड्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्या आता है, दो नंबर का पेपर में अक्सर जो है 2 मार्क्स का जा रहता है, तो इसे भी आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तीसरा जो मौजूद होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अपेयर होता है, बट आर टर्पिनाइड्स। कि टर्पिनाइड्स क्या, आपने अक्सर नाम सुना होगा स्टीरॉइड्स का। स्टीरॉइड्स असल में क्या होते हैं, टर्पिनाइड्स होते हैं। रबर का नाम सुना होगा आपने, रबर असल में क्या है, ये टर्पिनाइड है। टर्पिनाइड्स क्या होते हैं, टर्पिनाइड्स आर लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स।
बड़े कंपाउंड होते हैं विच आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग स्मॉल यूनिट आइसोप्रीनाइड। आइसोप्रीनाइड पांच कार्बन वाला एक छोटा यूनिट होता है। जब ये पांच कार्बन वाला यूनिट की कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन का मतलब होता है दे कनेक्ट टू ईच अदर, पॉलीमराइजेशन होती है, ये आपस में जुड़ते हैं, उसके जुड़ने से क्या करते हैं बड़े मालिक्यूल बनाते हैं। ये जो बड़े मालिक्यूल बनाते हैं इन बड़े मालिक्यूल्स को हम लोग नाम देते हैं टर्पीनाइड का, जैसे कि टर्पीनाइड ऑयल हो गया, ठीक है ना, वो मौजूद है। अब इसमें मिसाल किसकी चीज की है, वो हमारे पास रबर हो गया, स्टीराइड हो गया, केराटिनाइड हो गया, ये इसकी कॉमन मिसालें हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने लिपिड को क्लोज किया है और लिपिड के अंदर हमने डिस्कस किया वैक्सिस को, फास्फोलिपिड्स को, और साथ हमने डिस्कस किया टर्पीनाइड को।